जब मैं मनाली में ओशो से मिलने गई थी, तब कहा गया कि आज भारी वर्षा के कारण ओशो कमरे से बाहर नहीं आएंगे। ये सुनकर मेरी आंखें बंद हो गईं और आंसुओं की झड़ी लग गई। आधे घंटे तक मैं ये गीत गुनगुनाती रही। बरकारी रुक साईयाना, बरकारी रुक साईयाना, रांझन मिलसी हीर, बरकारी रुक साईयाना, साईयाना, साईयाना। अचानक मैं क्या देखती हूँ, परमात्मा ने मेरी पुकार सुन ली। वर्षा थम चुकी थी और मेरे प्यारे प्रियतम सद्गुरु ओशो मेरे सामने खिड़की के बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे।